कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉपर होते हैं बेसिकली मंगल ग्रह से नहीं आते, वो बच्चे होते हैं जो एक दिन किसी टीचर की आवाज सुनते हैं, कान में फुसफुसाहट आती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही है मौका बेटा, शुरू हो जा। 5 महीने छोड़, तू 4 महीने में तैयारी करके 5वें महीने में रिविजन करके एग्जाम को फोड़ सकता है। विश्वास कर, सिर्फ तुझे जरूरत है अच्छी गाइडेंस की। तुझे अपने आप पे विश्वास करना होगा, एक अच्छा टीम चुनना होगा, एक अच्छे टीचर की टीम चुननी होगी, उनकी गाइडेंस में काम करना होगा, प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, अपने आप को कमिट करना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बच्चा ये 4-5 महीनों में भी नीट के एग्जाम को तरीके से निकाल सकता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इतनी बात सुनने के बाद किसको लगता है कि वाकई में यार बोर्ड एग्जाम की सोचता रहूंगा क्या मैं जिंदगी भर, क्या मेरी इतनी औकात है? मैं बोर्ड का नहीं, मैं बोर्ड के साथ साथ मैं नीट एग्जाम की भी सोचूंगा। और जो जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि नहीं मुझे नीट एग्जाम की सोचनी है और मुझे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है जहां पे कंपटीशन ज्यादा हो चाहे कम हो, मुझे तो एक ही सीट चाहिए, मुझे वहीं जाना है और 5 महीने अच्छे से मेहनत करूंगा, ऐसा जज्बा किस किस बच्चे का है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, सर मुझे नीट में सिलेक्शन करवाना है।